आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का। एनसीबी ड्रग्स को लेकर फुल एक्शन में है। कल एनसीबी की मुंबई में बड़े स्तर पर बैठक हुई। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने मुंबई में मौजूदा हालातों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुंबई एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े भी शामिल हुए। बैठक में आगे के एक्शन की रूपरेखा और प्लानिंग तैयार की गई। एनसीबी के निशाने पर अब 2019 की करण जौहर की पार्टी है। फॉरेंसिक टीम ने करण की पार्टी के वीडियो की जांच की, जिसमें बताया गया है कि वीडियो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये रिपोर्ट एनसीबी को सौंप दी गई है। करण की इस पार्टी के बारे में दावा किया गया था कि पार्टी में ड्रग्स ली गई थी। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर, विक्की कौशल, वरुण धवन, मलाइका, अर्जुन कपूर, जोया अख्तर जैसे टॉप के एक्टर डायरेक्टर शामिल थे। सूत्रों की माने तो एनसीबी अब इस पार्टी के जांच का प्लान कर रही है। इससे पहले करण जौहर ने बयान जारी कर कहा था कि मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसे प्रमोट करता हूं। पार्टी के बारे में गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बॉलीवुड ड्रग चैट में धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज रवि प्रसाद को कोर्ट ने 6 दिनों के लिए एनसीबी के रिमांड में भेज दिया है। अब क्षितिज 3 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे। क्षितिज को ड्रग्स रखने और उसकी सप्लाई करने के आरोप में 24 घंटे से ज्यादा लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील अतुल सर पांडे ने क्षितिज प्रसाद की गिरफ्तारी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि क्षितिज एनसीबी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। एनसीबी ने क्षितिज प्रसाद की 9 दिनों की रिमांड की मांग कोर्ट से की थी। एनसीबी का कहना है कि अंकुश अरनेजा से पूछताछ में क्षितिज प्रसाद का नाम सामने आया था। क्षितिज के घर पर एनसीबी के अधिकारियों ने जब जांच की थी तब उन्हें गांजा बरामद हुआ था। हालांकि क्षितिज ने गांजा मिलने से इनकार कर दिया। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण और रेप का केस दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस पायल घोष कल फिर से वर्सोवा थाने पहुंची। पायल ने पुलिस से अपने केस के सिलसिले में हुई जांच की जानकारी मांगी, लेकिन इस मामले के जांच अधिकारी थाने में नहीं थे। पायल का आरोप है कि मुंबई पुलिस गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब तक अनुराग कश्यप का बयान भी दर्ज नहीं किया गया है। पायल ने एक बार फिर मांग की कि पुलिस अनुराग कश्यप को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, वरना वो धरना देंगी। इतना ही नहीं, पायल ने सपोर्ट के लिए जनता और मीडिया को धन्यवाद भी दिया। उनको ये बताया जरूर कि इतना टाइम नहीं लगता है। मैं इनके साथ कंटिन्यूअसली टच में थी और पूछ रही हूँ कि इतना टाइम लगता है, ये इतना सारे चीज क्या जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो वो लोग बोले हैं मैं उनको कोऑपरेट की हूँ। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे आखिरकार जेडीयू में शामिल हो गए। रविवार को सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जेडीयू में शामिल होने के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने नीतीश की जमकर तारीफ की और कहा कि वो पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे। हाल ही में एक्टर सुशांत सिंह मौत की जांच के सिलसिले में मुंबई पुलिस से तकरार को लेकर गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में रहे थे। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने खुद अपने हाथ से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। ये कहा मैं जदयू परिवार का सदस्य, क्या आपका रोल क्या रहेगा, दायित्व क्या? ये पार्टी तय करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। मुझे चुनाव लड़ने की ये मुझे कुछ नहीं पता है, उनका जैसा आदेश होगा वैसा, मुझे चुनाव के बारे में कुछ नहीं। बिहार में आज से चुनावी सरगर्मी बढ़ने जा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नव नियुक्त अध्यक्ष और कर्नाटक के बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या आज से बिहार के दौरे पर हैं। दौरे से पहले सूर्या ने राज्य में एनडीए की जीत का दावा किया है। वहीं आरजेडी ने भी चुनाव में ताल ठोंक दी है। तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाते हुए ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो सबसे पहला आदेश 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का होगा।
जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। बिहार चुनाव में टिकट के लिए ख्वाहिशमंदों की उठापटक भी शुरू हो गई है। पटना में बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। टिकट की मांग को लेकर कई लोगों ने डिप्टी सीएम की गाड़ी भी घेर ली और जमकर धक्का मुक्की की। सुशील मोदी गाड़ी में बैठे बैठे ये तमाशा देखते रहे। उधर जेडीयू दफ्तर में भी हलचल तेज हो गई है। टिकट के दावेदार कई नेताओं ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित विधेयकों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। रविवार को तीनों विधेयकों के कानून बनने की आखिरी औपचारिकता भी पूरी हो गई। इससे पहले संसद में विधेयकों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने विधेयकों और इनके पास कराने की प्रक्रिया के खिलाफ वॉकआउट किया था। वहीं एनडीए के सहयोगी अकाली दल ने भी कृषि बिल के विरोध में बीजेपी से बरसों पुराना नाता भी तोड़ लिया है। कृषि कानून के विरोध में रविवार को पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब में किसानों के साथ विरोधी पार्टियों ने कई जगहों पर रेल रोकी और सड़कें जाम की। तरन तारण में 500 ट्रैक्टरों पर कांग्रेस नेताओं और किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ रैली निकाली। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी ने कानून के विरोध में सीएम योगी का पुतला फूंका। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भी कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली। संजय राउत से मुलाकात पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है कि उनकी मुलाकात का सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। शनिवार को देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच करीब 1.5 घंटे तक एक होटल में चर्चा हुई थी। शिवसेना की तरफ से सफाई दी गई थी कि ये मुलाकात सामना अखबार के इंटरव्यू के सिलसिले में थी। फडणवीस और राउत की मुलाकात के बाद सीएम उद्धव और शरद पवार की भी एक बैठक हुई है। महाराष्ट्र में रविवार को 18,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज दर्ज किए गए, जबकि 380 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामलों की संख्या करीब 13.5 लाख पहुंच गई है, जिसमें 3.25 लाख एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर खौफनाक दिखने लगी है। राजधानी में लगातार दूसरे दिन कोरोना ने 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 3300 मामले सामने आए, जबकि कुल मामले 3.25 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं अब तक दिल्ली में 5,235 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में रविवार को करीब 7,000 नए मामले सामने आए, जबकि 46 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामले 7.25 लाख के पार हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 6,000 मामले सामने आए, जबकि 80 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कुल कोरोना मामले 5,80,000 से ज्यादा हो चुके हैं। देश में कोरोना के हालात पर ICMR से बुरी खबर आई है। देश भर में किए गए दूसरे सीरे सर्वे के मुताबिक अभी भी देशवासियों में वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं हो पाई है, जिसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक इस तरह की प्रतिरोधक क्षमता से भारत अभी बहुत दूर है, लिहाजा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से दोबारा संक्रमित होने की खबरों को गंभीर बताया और कहा कि इस बारे में रिसर्च की जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना मरीज ने अस्पताल की चौथी मंजिल से छलांग मारकर खुदकुशी कर ली। करीब 42 साल का ये मरीज 21 सितंबर से अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल स्टाफ के मुताबिक वो मिलनसार स्वभाव का था, लेकिन रविवार को बाथरूम जाने के लिए वार्ड से निकलने के दौरान उसने चौथी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। वो 3 दिनों से बद्रीनाथ के दौरे पर थी और इस दौरान उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों से चर्चा की और कई लोगों से मुलाकात भी की थी। उमा भारती के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बद्रीनाथ में हड़कंप है। मंदिर परिसर को कई बार सैनिटाइज किया गया है। उनके संपर्क में आने वाले लोग दहशत में हैं। उधर बद्रीनाथ से निकलकर उमा भारती ने खुद को हरिद्वार में क्वारंटीन कर लिया है।
बिहार के गोपालगंज में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहाँ हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे हैं। तस्वीरें देखिए कैसे स्टेट हाईवे पर जलधारा बह रही है। हैरानी की बात यह है कि ऐसी जलधारा में भी लोग पानी के बीच से निकलने का जोखिम उठाने के लिए मजबूर हैं। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ जाने से बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है। बाढ़ ने यहां सबसे ज्यादा तबाही बरौली, सिद्धवलिया और बैंकुंठपुर में मचाई है। बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा गाँव में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार के अररिया में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। यहाँ पानी लोगों की जिंदगी को लील जाने पर उतारू है। यहाँ फॉरबिसगंज का पूर्वी इलाका पूरी तरह से पानी में समा गया है। बाढ़ अपने साथ कई घरों को बहा ले गई है, कई घर धराशायी हुए हैं। बाढ़ की मार ऐसी है कि लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर ठिकाना तलाश रहे हैं। लोगों ने स्कूल की छतों पर जानवरों को बांध रखा है। यहाँ बाढ़ के पानी ने लोगों के लिए खाने पीने का संकट भी खड़ा कर दिया है। बिहार के दरभंगा में भी बादलों की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता से हाल बेहाल है। तस्वीरें देखिए, ये दरभंगा का प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ का माधेश्वर मंदिर है। पूरा मंदिर तालाब में तब्दील हो गया है। मंदिर परिसर में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के भीतर भी 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। हालात यह है कि पूरा मंदिर पानी में तैर रहा है। मंदिर प्रबंधन प्रशासन से पानी निकालने की गुहार लगा रहा है, मगर फिलहाल हाल बेहाल है। चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें देखिए, जहां तक नजर जाती है बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी की वजह से जिले में पारा गिर गया है और ठंड बढ़ गई है। ये तस्वीरें बद्रीनाथ से आगे नागताल की हैं। नागताल पहुंचे पर्यटकों ने ये खूबसूरत तस्वीरें अपने कैमरों में कैद की और बर्फबारी का लुत्फ उठाया। उत्तरकाशी के यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई है। यहां बटकोट तहसील मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर छतांग धार के पास लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद हो गया है। पहाड़ी से लगातार भारी भूस्खलन होने के कारण हाईवे बंद होने से आवाजाही बाधित है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बड़कोट खंड की टीम ने हाईवे को खोलने के लिए खासी मशक्कत की, मगर लगातार हो रहे भूस्खलन से सफलता नहीं मिली। हाईवे बंद रहने के चलते यमुनोत्री धाम सहित दर्जन भर से अधिक गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। नागपुर में जुआ क्लब चलाने के लिए कुख्यात अपराधी बाल्या उर्फ किशोर एकनाथ बेनेकर की सरेआम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार बाल्या कार से शहर के भोले बाबा पेट्रोल पंप के पास से निकल रहा था, तभी कुछ युवक बाइक से आए और बाल्या को कार से बाहर खींचकर उस पर कुल्हाड़ी से वार करने लगे। हमलावरों ने बाल्या के शरीर पर चाकू से भी कई वार किए। इस हमले में बाल्या की जान चली गई। बिहार के कैमूर में पत्थरबाजी, हंगामा, बवाल और हथियार लहराने की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि मोहनिया थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में लड़की छेड़ने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इसी मारपीट और पत्थरबाजी के दौरान एक शख्स के हथियार लहराने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यहां अलग अलग थाना क्षेत्र के 7 अपराधियों पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने इन अपराधियों की 1,13,35,000 की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि इन अपराधियों ने अपराध के रास्ते ये संपत्ति बनाई थी। पुलिस ने अपराधियों के वाहन, मकान और जमीन जब्त की है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी हाईवे पर ट्रकों को लूटते थे, ड्राइवर और हेल्पर को नशे की दवा देकर हाईवे पर फेंक देते थे। पकड़े गए आरोपी सिवान, मधुबनी और छपरा जिले के हैं। पुलिस के अनुसार ये माल लदे ट्रकों को निशाना बनाते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद की है।
बिहार के आरा में बेलगाम अपराधियों ने दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाशों ने युवा जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव प्रिंस सिंह बजरंगी और उनके दोस्त को गोलियों से छलनी कर दिया। बताया जा रहा है कि बाइक पर आए बदमाशों ने जगदेव नगर मोहल्ले में इस वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जिसमें प्रिंस सिंह बजरंगी को पीठ और कमर में गोली लगी। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है जबकि उनके दोस्त मिथुन को 4 गोलियां मारी गई जिसमें उनकी मौत हो गई। यूपी के संभल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पुलिस के पैरों पर गिरकर एक शख्स गिड़गिड़ा रहा है। ये पुलिस वालों से कह रहा है कि उसे पुलिस गोली न मारे। पुलिस के माने तो इस शख्स का नाम नईम है। नईम पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है और इस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित है। मगर आज इस आरोपी ने पुलिस के सामने गले में तख्ती डालकर सरेंडर किया। इसने तख्ती में लिख रखा था कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए मगर मुझे गोली मत मारिए। सोनीपत में सरेआम फायरिंग करने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए सीसीटीवी में दिख रहा है कि घर के बाहर कुछ लोग तमंचा लहरा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। आरोप है कि सोनीपत के गांव दोभेटा के रहने वाले एक शख्स के घर के बाहर ये फायरिंग की गई। जिस शख्स के घर के बाहर फायरिंग हुई है उसने आरोप लगाया है कि कुछ रोज पहले उसका गाँव में ही एक परिवार से झगड़ा हुआ था जिसके बाद उसे धमकाने की नीयत से ये फायरिंग की गई। पुलिस अब मामले की जाँच में जुट गई है। बिहार के सहरसा में नवहट्टा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने नशे की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1 क्विंटल 13 किलो गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रैक्टर में मक्के के बोरे के बीच गांजा की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने समय रहते छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर का ड्राइवर तो ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया मगर पुलिस ने ट्रैक्टर की तलाशी ली तो 1 क्विंटल 13 किलो गांजा बरामद किया। अब पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। पंजाब के फिरोजपुर में लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जीरा थाना क्षेत्र में एक शख्स के घर बदमाश घुसे। बदमाशों ने घर के मालिक की हत्या की और घर का सारा सामान लूट ले गए। परिजनों ने बताया कि बदमाश घर से टीवी और घर के सामान के अलावा नकदी और सोना भी लूट ले गए। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ शख्स को लोगों ने खंभे से बांध कर जमकर पीटा। दरअसल आरोप है कि यह शख्स एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश कर रहा था मगर बच्ची के शोर मचाते ही आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और इसे पकड़ लिया। लोगों ने इसे बांध कर इस पर अपना गुस्सा निकाला। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंची और इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। आईपीएल में रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स 11 पंजाब को करारी शिकस्त दी है। आखिरी ओवर में राजस्थान रॉयल्स ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स 11 पंजाब ने 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 223 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में राजस्थान ने 6 विकेट खोकर 3 गेंदे रहते ही 224 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। राजस्थान की ओर से संजू सैमसंग ने 42 गेंदों पर 85 रनों की तूफानी पारी खेली। उनके अलावा तेवतिया और कप्तान स्मिथ ने धमाकेदार अर्धशतक लगाए। तेवतिया ने पंजाब के कॉटेल के एक ओवर में 5 छक्के जड़कर मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। इससे पहले पंजाब के लिए मयंक अग्रवाल ने 106 रनों की तूफानी पारी खेली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि रूस ने 2016 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन की तरफ से चुनाव में दखल दिया था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मैंने 4 साल तक ये आरोप झेले, मैं साफ कर दूं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। सोवियत रूस से अलग हुए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र को लेकर जंग छिड़ गई है। दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते हुए टैंक, तोप और लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को मैदान में उतार दिया। सीरियाई विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधित करते हुए तुर्की को आतंकवाद प्रायोजक देश बताया। आरोप लगाया कि तुर्की आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही कहा कि कई शहरों में पानी आपूर्ति बंद कर मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीन को लेकर दिए गए आश्वासन की सराहना की। कहा कि भारत कोविड 19 से लड़ रहे देशों की मदद के लिए अपनी टीका उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करेगा। इस महामारी को मिलजुल कर ही हराया जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूएन महासभा में कहा कि कोरोना महामारी ने विभिन्न देशों के बीच के रिश्ते को अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही उन्होंने विश्व नेताओं से कोविड 19 के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेलबर्न में रविवार को कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। सरकार ने यहां अगले महीने से स्कूल खोलने की भी संभावना जताई है। मलेशिया में 7 महीने से सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने पहले चुनाव में विपक्ष को शिकस्त दे दी है। इससे यासीन के आलोचकों का मुंह बंद हो गया है, जो उन पर बिना चुनाव जीते ही सत्ता संभालने का तंज कसते थे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। नासा की अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स अंतरिक्ष से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान करेंगी। केट रूबिन्स ने कहा कि मैं पृथ्वी से करीब 200 मील दूर अंतरिक्ष में हूं। मैं अपना वोट यहीं से डालने की कोशिश करूंगी। रोमानिया में कोरोना वायरस महामारी के कारण जून में मतदान स्थगित होने के बाद रविवार को स्थानीय चुनाव के लिए मतदान हुए। राजधानी बुखारेस्ट से 360 किलोमीटर दूर सुलेना शहर में मतदान करने के लिए कुछ मतदाता नाव से यात्रा कर वोट देने पहुंचे। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में 3,30,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इससे अब तक 9,99,000 लोगों की मौत हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।